सहरसा बिहार जिला ब्यूरो गौरव कुमार चौधरी की रिपोर्ट। सहरसा पहुंची बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक के लिए कई अहम दिशा निर्देश। सहरसा पहुंची बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सह सहरसा प्रभारी मंत्री जीवेश मिश्रा, जहां उन्होंने विकास भवन में शराबबंदी कानून को लेकर डीएम एसपी समेत जिले के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रभारी मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा बैठक की गई है, साथ ही साथ जिले में बनाए गए कॉल सेंटर को लेकर भी चर्चा की गई। कॉल सेंटर पर मिल रही सूचना पर अपराधियों को जल्द से जल्द कैसे पकड़ा जाए, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा। समीक्षा बैठक में सिमरी बख्तियारपुर के विधायक यूसुफ अला सलाउद्दीन, महेशी विधानसभा के विधायक कुंजीश्वर शाह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 16 तारीख को पूरे बिहार की बैठक हुई, उसी रिस्पेक्ट में एक निर्णय लिया गया कि सभी प्रभारी मंत्री को भी अपने अपने जिलों में जाकर के इस विषय पर एक समीक्षात्मक बैठक करनी है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया और अन्य कई विषयों को लेकर के एक समीक्षा मैंने यहाँ रखा अधिकारियों के साथ बैठ करके, और बड़ा संतोषप्रद है यहाँ की स्थिति। और भी जो शराबबंदी को लेकर के और जो कदम उठाए जा सकते हैं, किस प्रकार लोगों में अवेयरनेस बढ़ाया जाए, कॉल सेंटर को हम कैसे दुरुस्त करें, कॉल सेंटर के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम कैसे घटे, कम समय में हम कैसे अपराधी तक पहुँच सके, इन सारे विषयों पर विस्तारपूर्वक जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जो एसपी हैं अपने, उनके नेतृत्व में अभी विस्तृत चर्चा हुई है। और सारे विषयों को थाना सह एक बार एनालाइज किया गया है और बहुत संतोषप्रद स्थिति है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ इस प्रकार की कोई घटना बहुत रेयर हो, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो जितना व्यवस्था हो सकता है शराबबंदी को लेकर के जिला के अधिकारी, उत्पाद अधिकारी सभी मिलकर उसमें हम लोग तत्परता के साथ कर रहे हैं। सर, अभी किसान लोग आए हुए थे कुछ जो कि हल्ला कर रहे थे खाद समय पर। मैं मानता हूँ कि डीएपी का अभी पूरे देश के अंदर थोड़ा शॉर्टेज है, लेकिन उसमें उसकी कालाबाजारी नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था अभी भी हम लोगों ने बैठ करके जिलाधिकारी के नेतृत्व में यहाँ हम लोगों ने तय किया है। और जितना डीएपी मिलेगा उसको रैशनिंग करके यहाँ देना है। अभी भी बिहार सरकार, कल भारत सरकार के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, आने वाले दिनों में डीएपी की कोई कमी यहाँ नहीं रहेगी, इस प्रकार की व्यवस्था भारत सरकार भी सुनिश्चित कर रही है। और हम समझते हैं कि जो खाद की अभी वर्तमान समस्या है उसका तुरंत हम लोग समाधान कर लेंगे, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। क्योंकि जो सहरसा है यहाँ हम लोग लेट वेराइटी का बीज बोते हैं गेहूं का, क्योंकि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ लेट वेराइटी का गेहूं का बीज बोते हैं, उसमें अभी समय बचा हुआ है और समय रहते हम लोग डीएपी की व्यवस्था यहाँ कर लेंगे और बीज की व्यवस्था कर लेंगे। तो जो अभी कठिनाई दिख रही है वो दिखेगी नहीं। और एक और बात की जानकारी मैं आपको दे दूँ कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें डीएपी की बहुत आवश्यकता भी नहीं है। सॉइल टेस्ट जब किया गया तो जितने जिस अमाउंट में जिस मात्रा में हम लोग डीएपी डाल रहे हैं उतने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखा गया है जिंक और फॉस्फेट की कमी ज़मीन के अंदर है। तो थोड़ा किसानों से मैं आग्रह करूँगा कि अपने ज़मीन का सॉइल टेस्ट भी करावें, ज़मीन की तबीयत का भी ख्याल रखें।